तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नाम कॉमन नाम प्रॉपर्ट, तो हमको कोशिश क्या करनी चाहिए, व्हाट वी हैव टू ट्राई कि नाउन या तो कॉमन नाउन हो सकता है या प्रॉपर नाउन हो सकता है। जब कॉमन नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सिंपल है कि नाउन जब एक से ज्यादा हो और उनकी कोई पहचान ना हो, उनकी कोई पहचान नहीं, किसी भी नाम की कोई भी पहचान नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स है, आप किसी भी चेयर पर बैठ जाते हो, एग्जाम्पल हमने दिया कि बहुत सारी चेयर है, हम कोई खास चेयर पर जाके बैठते नहीं, आपको बोला था किसी भी चेयर पे बैठो या किसी भी चेयर पे बैठ जाओ, तो इसका मतलब हम किसी खास चीज की, खास चेयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज क्या बन जाती है, कॉमन। लेकिन जब प्रॉपर नाम, हम जब किसी चीज को नाम दे देते हैं, खास रूल क्या है कॉमन से प्रॉपर बनाने का, किसी खास नाम को, किसी नाम को नाम देना, और किन चीजों को नाम दिया जाता है, हर चीज को नाम दिया जाता है, कुछ नाम इंडिविजुअली भी दिए जाते हैं और कुछ नाम कलेक्टिव भी दिए जाते हैं। जैसा हम चेयर्स को एक कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, हर एक चेयर का नाम नहीं है बट सबका नाम क्या है, वो जो टाइप है वो चेयर की टाइप से आ गए, तो सबका पूरी टाइप का नाम क्या है, चेयर है, एक कलेक्टिव नाम है। अब ट्रीज है तो हम सब ट्रीज को एक जगह बोलते हैं, एक कलेक्टिवली बोल देते हैं ट्रीज, ट्रीज का कोई नाम नहीं, राजा रानी कोई छोड़िए ऐसा नाम नहीं है, कभी कभार छोटे कुछ नाम हम लोग ने दिए भी है ताकि उसकी पहचान हो जाए कि ये ट्री कौन सा है करके। जब हम उसको प्लांटेशन में कोशिश करते हैं प्लान करने की, है अपने घर में उसको लगाने की, अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करते, तो कुछ नाम हमने दिए भी गए बट कई जगह पे कई ट्रीज को नाम नहीं दिए गए। तो जब नाम नहीं दे सकते हम लोग किसी चीज़ का तो कॉमन में आ जाता है, और कोई भी चीज़ हमको चल जाती है, अब एप्पल खाते हो, अब फ्रूट्स खाते हो, अब ऑरेंजेस खाते हो, सब टाइम्स है फ्रूट्स की, बट कभी ऑरेंजेस को ऐसे नाम दिए हुए होते, आपके 10 ऑरेंजेस आप लेके आते हो तो बोले ये परवीन है, ये खुशी है, ऑरेंज का नाम होता है, ऐसे नहीं होता, कोई भी ऑरेंज चल जाता, कोई भी ऑरेंज जब उठाते हो और खा लेते हो, कोई खास चीज़ नहीं होती, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनका नाम होना बहुत ज़रूरी है, उसमें खासकर सबसे कौन बड़ी चीज़ है, सबसे इंसान, ह्यूमन बींग। अगर ह्यूमन बींग को हमने नाम नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगी, हमको ये जानना, इस सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, प्लेसेस। इंसान ने हर प्लेस को नाम दिया है, बगैर प्लेस की और बगैर इंसान को नाम दिए, बगैर प्लेस को नाम दिए, बगैर इंसान को नाम दिए हुए इस सिस्टम शायद कभी चल नहीं पाए। अगर इंसान को नाम दिया गया और प्लेस को नाम नहीं दिया गया तो हमारे एड्रेसेस, हमारे लोकेशंस कभी भी पकड़ में नहीं आ सकते, कभी भी हम लोकेट नहीं कर पाएंगे हमारे एड्रेसेस को और हमारे किसको, इंसानों को। तो ये दोनों को खास नाम दिए गए, हर इंसान को नाम दिया गया, हर जगह को एटलीस्ट तो नंबर दिया ही गया, और बाकी काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिनको नाम दिए गए। जैसे अभी एनिमल्स की हम लोग बात करें तो कलेक्टिव नेम है, अभी शेर, बहुत सारे शेर है, लायंस है, टाइगर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हर टाइगर को नाम है, नहीं, हर लायन को नाम है, नहीं, हर बर्ड को नाम है, नहीं। तो कई जगह पे नाम नहीं होता, इंपॉर्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को नाम देना, वो कॉमनली यूज होते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको नाम देना। तो जब भी हम नाम देते तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाम होता है, वेरी गुड। नाम अगर हम लोग नाम नहीं दे रहे और मुझको किसी खास चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तो अब कैसे पहचान होगी, बगैर नाम दिए अब चीज को पहचान रहे, बगैर नाम दिए हुए अब चीज को पहचान रहे हो, आपको पता है कि किस चीज की बात हो गई। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, इंग्लिश में अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूं कि आई विल कीप दिस पेन ऑन द टेबल, तो कौन सी टेबल पर रखूं, सामने जो मेरे टेबल है, इस पर मेरे सामने जो टेबल है उस पर रखूंगा, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि आई विल कीप दिस पेन ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त एक ही टेबल है,
और पेन कहां पे रखा जाएगा, उसी टेबल पे रखा। तो बगैर नाम लिए आपने समझ लिया कि टेबल कौन सा है। बट मेरे सेंटेंस में आपने अगर गौर किया होता, अगर आपने केयरफुली उसको सुना है, तो आपको एक वर्ड नजर आएगा, आई विल कीप दिस पेन, आई विल कीप दिस पेन, एक वर्ड है दिस पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल बोला गया, द टेबल बोला गया, ऑन द टेबल बोला गया। इसके पहले क्या वर्ड यूज हुआ है, द, और पेन के पहले यूज क्या हुआ है, दिस, कौन सा पेन वर्ड यूज हुआ है, दिस। I will keep this pen on the table. या ऐसे भी बोल सकते थे कि I will keep the pen on the table. But और sentence को easy बनाने के लिए हम लोग this को, तो the जो है उसने एक चीज बता दी कि मैं किसी खास टेबल की बात कर रहा हूँ, जो आप recognize कर रहे हो, जो आप पहचान रहे हो, आपने उसको पहचान लिया बगैर नाम के पहचान लिया। तो इस तरह से मैंने एक वर्ड हम लोग ने क्या देखा, एक वर्ड हमने देखा इधर the, इसका यूज हुआ है, और एक वर्ड देखा हम लोग ने दिस। ये दोनों वर्ड ने चीज को क्या कर दिया है, खास कर दिया, प्रॉपर कर दिया। अब पहले इस वर्ड की तरफ आते हैं, दाग की तरफ आते हैं, समझे। जब हम कॉमन नाम की बात करते हैं तो हमारे टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं इंग्लिश के, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, पता है आपको, 26 अल्फाबेट्स है। कितने अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स। अब इन 26 अल्फाबेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। चल इससे पहले भी एक चीज हम लोग कोशिश करते कि कॉमन नाम को प्रॉपर नाम बनाने से पहले किस चीज को समझना चाहिए, मैं वो वर्ड यूज कर लेता हूँ। कॉमन नाम से, कॉमन नाम को बगैर नाम दिए हुए, बगैर नाम दिए हुए उसको प्रॉपर बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स का, किसका, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। We use articles. इसका इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स कौन से हैं, ए, एन और द, ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। ये तीन आर्टिकल्स का कनेक्शन किसके साथ में है, कॉमन नाउन के साथ में, किसके साथ में, कॉमन नाउन के साथ में। अब कहां पे ए यूज होता है, कहां पे एन यूज होता है और कहां पे द यूज होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन इसका यूज एज पर द अल्फाबेट है और एज पर द साउंड है, साउंड ऑफ अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट के हिसाब से इनका यूज होता है और साउंड के हिसाब से इसका यूज होता है। द का यूज एक अपना अलग चीज है, ये चीज कॉमन नाम को कॉमन दिखाने के लिए यूज की जाती है, ये चीज कॉमन नाम को कॉमन नाम दिखाने के लिए यूज की जाती है, और द कॉमन नाम को बगैर नाम दिए हुए प्रॉपर बनाने के लिए इस्तेमाल है। मतलब जब भी अभी किसी नाम के आगे आपने द यूज देखा है, आपने देखा कि द यूज हुआ है या दी यूज हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी खास टेबल की या किसी खास चीज की बात हो रही है। इससे पहले इसके बारे में बात हो चुकी है या जो सुनने वाला है वो जानता है कि किस चीज की बात हो रही है। जैसे अगर मैं इस वक्त अगर आपको बोल दूं कि यहां पे जो टेलीविजन है, जो टीवी सेट है, जो लगा हुआ है वो सैनसुई का, समझे, सैनसुई का टेलीविजन, अभी मैंने नाम ले लिया सैनसुई का, लेकिन मैंने आपको बोला सिर्फ ये बोलता है कि यहां पे टेलीविजन है। अब मैं वो टेलीविजन को स्विच ऑन करता है तो मैं जब इसको इंग्लिश में बोलूंगा आई विल स्विच ऑन द टेलीविजन, आई विल स्विच ऑन द टेलीविजन, स्विच ऑन द टेलीविजन, स्विच ऑन द टेलीविजन, मतलब उसको यूज किया, स्विच ऑन द टेलीविजन, मैं उसको यूज कर रहा हूं, स्विच ऑन द या द, प्रोनाउंसिएशन डिफर करते हैं, तो स्विच ऑन द टेलीविजन या आई विल स्विच ऑफ द टेलीविजन, मैं से टेलीविजन को क्या कर दूंगा, बैन कर दूंगा। अब मैं द यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ खास टेलीविजन की बात हो रही है, और कौन सा टेलीविजन है, इधर एक ही टेलीविजन है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोल देता आई विल स्विच ऑन अ टेलीविजन, मैं कोई एक टेलीविजन को ऑन करूंगा तो आपका दिमाग शुरू हो जाता है, सोचना शुरू कर देता कितने सारे टेलीविजन है, क्या कौन सा टेलीविजन ऑन करने वाले, आई विल स्विच ऑन और स्विच ऑफ अ टेलीविजन, तो सर कौन सा टेलीविजन बंद करने वाले,
बट यहाँ पे कॉमनली क्या है, एक ही टेलीविजन है, तो यहाँ पे अ यूज करना सही नहीं है, बल्कि क्या यूज करना सही है, द को यूज करना सही है, क्योंकि आप पहचान रहे हो, आपको पहचान है उस चीज की। तो कब यूज कर सकते द, जब हम किसी चीज को पहचान देते, जैसे आप दुकान में चले गए हो, एक दिन आप गए, आपने एक कपड़ा देखा, एक ड्रेस देखा आपने, और आपको ड्रेस पसंद आया, आपने ओनर को बोल दिया कि कीप दिस ड्रेस, ओके आई विल कम टुमारो एंड आई विल बाय इट, आई विल कम टुमारो, आई विल बाय द ड्रेस, आई विल बाय दी ड्रेस, आई विल बाय दी ड्रेस। अब क्या बोल रहे हो आप, मैं कल आऊंगी और इस ड्रेस को खरीदोगे, तो आई विल बाय दी ड्रेस मतलब इस ड्रेस को खरीदोगे, द लगा दिया। नेक्स्ट डे आप आए, बोले गिव मी दैट ड्रेस, गिव मी द ड्रेस, गिव मी द ड्रेस, दुकान वाला कोई और ड्रेस नहीं निकालेगा, वही निकालेगा, कैसे पहचाना उसने, क्योंकि उस ड्रेस पे कल आपसे उसकी बात हुई थी, आप उस ड्रेस पे उसका डिस्कशन हो चुका था, और जब आपने उसको दा बोल दिया तो उसने भी समझ लिया कि उसी ड्रेस को मांग रहे हैं। गिव मी अ ड्रेस बोलेंगे तो और दूसरी ड्रेस निकाल के आपको दे देगा। तो कुछ चीजें प्रॉपर की जाती है, कैसे, बगैर नाम दिए किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है और उसको प्रॉपर किया जाता है। लेकिन जब हम किसी कॉमन की बात करते, आई वॉन्ट टू गो डॉक्टर, आई वॉन्ट टू शो टू अ डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, तो अ डॉक्टर मतलब किसी भी डॉक्टर को, मतलब किसी भी डॉक्टर को शो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो अ से पता चलता है कि कोई भी डॉक्टर चले। आई वॉन्ट अ बनाना, आई वॉन्ट अ बनाना, तो मुझे एक बना, तो कोई भी बनाना चले, आप चलना, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट मोबाइल, तो मुझे कोई भी मोबाइल चलेगा। लेकिन आई वॉन्ट द पेन, आई वॉन्ट द मोबाइल, मतलब इससे पहले हम लोग ने मोबाइल के बारे में बात कर चुके, तुम्हारे मेरे बीच में किसी मोबाइल की बात हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, उस मोबाइल की बात की जा रही है, तब हम कोशिश करेंगे उसको इस तरह से समझ। तो आपको ए और एन का फर्क समझ में आया, ए एन से कोई भी चीज़ क्या समझ में आती है, कॉमन होती है, और दा से वो चीज़ प्रॉपर होती है। आगे जाके और प्रॉपर नाम जो बगैर नाम लिए हम बनाते हैं, तो कुछ नाम ऐसे है, कुछ नाम की कैटेगरी और ब्रॉड हो जाएगी और एलाबरेट होगी, और आपको समझ में आएगा कि कुछ नाम को कॉमन और प्रॉपर बनाने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, कॉमन नाम को अगर नाम दिया जाए तो सिंपल है, वो प्रॉपर बन जाता है। अगर कॉमन नाम को नाम नहीं दिया गया है तो हमको क्या यूज करना चाहिए, उसको प्रॉपरली क्लासीफाइड करने के लिए, प्रॉपरली समझने के लिए कि हम कॉमन की बात कर रहे हैं या प्रॉपर की बात कर रहे हैं, हमको क्या कोशिश करनी चाहिए, आर्टिकल को समझने की कोशिश, आर्टिकल को यूज़ करना चाहिए। आर्टिकल यूज़ करने के बाद हमको पता चलेगा कि हम किसी खास नाम की बात कर रहे हैं या कॉमन नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, कोर्स एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वी शुड कंसिडर दिस पॉइंट, we should keep in the mind this point, samjhe na, we should be very careful to keep in this particular point in the mind. Wo kya hai ki jab bhi naam aata hai, jab bhi proper naam aata hai, to aap log kabhi bhi koi article use nahi kare. Agar naam hai kisi cheez ka, to you will not use article, you will not use article before that particular name. Clear ho gaya aapko? To be careful of it. तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, मालूम, नाम को यूज किए और कॉमन और प्रॉपर नाम का इस्तेमाल किया, समझे। तो दो तरीके, प्रॉपर नाम को नाम देके प्रॉपर बनाया जाता है या फिर आर्टिकल यूज करके। आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, टेल मी कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द, जोर से बोलो, द, ठीक है। सो दिस आर्टिकल विल यूज, हाउ इट इज यूज, उससे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि हम किसी खास चीज की बात, जब आपको समझ में आ गया, इवन आपने कोई चीज देखी नहीं लेकिन आपको सडनली समझ में आ जाती है। अभी जैसे मैं आपको इंग्लिश में बोल दूं, आई विल राइट ग्रामर ऑन द बोट, ओके, आई विल राइट अ सेंटेंस ऑन द बोट, आई विल राइट अ सेंटेंस ऑन द बोट। अब क्या हो गया, मैं एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, अ सेंटेंस बोल रहा हूं, आई विल राइट अ सेंटेंस ऑन द बोट, दो दो यूज किया मैंने,
आप भी यूज किया और दाद भी यूज किया. आई विल राइट अ सेंटेंस, मैं कोई भी एक सेंटेंस लिखूंगा ऑन द बोर्ड. अब बोर्ड कितने इधर, किधर लिखूंगा, यहाँ पे. सो दिस इज क्लियर टू यू? सो आई विल राइट अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड. समझ में इससे आपको क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको इसको समझना जरूरी. तो हमने क्या समझा, कॉमन नाउन को किस तरह से बगैर नाम के प्रॉपर किया जाता है.